जय हिंद दोस्तों। एक पॉपुलर कंपनी जिसका सर्किट लिमिट 20% है, अपने ऑल टाइम हाई से 43% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। एंड जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा चर्चा में ये कंपनी रही है जब से लिस्ट हुई है। एंड करेक्शन जो है डीप हो गया है, यहाँ पे लगभग 43% का भी प्रेजेंटली है। 2300 रुपये के आसपास का हाई लगाया था पिछले महीनों में। एंड स्टॉक का नाम है रूट मोबाइल। इस स्टॉक के ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनली खुद किस तरह से स्टॉक्स को स्टडी करता हूँ चार्ट पैटर्न पे, सिर्फ दो तीन टूल्स को यूज़ करके। साथ ही फंडामेंटल्स को भी मैं कैसे चेक करता हूँ, एंड ये खुद स्टडी जो है मैं खुद कैसे फॉलो करता हूँ वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आप खुद से सीखना शुरू कर दे, खुद से इंडिपेंडेंट हो जाए। एंड अपने जो डिसीजन से रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट जो है धीरे धीरे करके खुद से लेना शुरू कर दे, आप आत्मनिर्भर हो जाए। तो चलिए स्टडी शुरू करते हैं। उसके पहले पिछले दिनों जो स्टडीज की थी उसका अपडेट। सबसे पहले कौन सा स्टॉक है जो अपनी पहली रुकआउट को छू लिया है, वो है ONGC, दैट इज 145, इसको छू लिया है। नेक्स्ट कौन सा स्टॉक है जो अपनी दूसरी रुकआउट को छू लिया है, वो है LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। नेक्स्ट ये जो सेट है नई तेजी के लिए ऐसा लग रहा है तैयार हो रहे हैं चारों स्टॉक्स। आने वाले दिनों में इन लेवल्स के ऊपर लगातार बंद होते हैं तो अच्छी तेजी देखने मिलेगी। MTARTech 1653.35, ये एक रुकावट थी कुछ महीनों की, उसके ऊपर काम कर रहा है स्टॉक। फिर त्रिवेणी टर्बाइन 300.3, DLF 411, फिर एम फेजिस 2147.44। तो इन लेवल्स के ऊपर ध्यान रखिए, चारों लेवल्स के ऊपर है चारों स्टॉक्स के। इसके ऊपर स्टॉक बंद होते हैं आने वाले कुछ महीनों में, बढ़िया तेजी के संकेत यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। तो चलिए स्टडी शुरू करेंगे रूट मोबाइल के ऊपर। मार्केट कैप देखिए 8475 करोड़ का, स्टॉक की पी 36, 52 वीक लो 1050 रुपये, एंड 52 वीक हाई जो है 1936 रुपये। अब कोई भी कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है जानना है तो क्या कीजिए, हर 3 महीने में कंपनी अपने रिजल्ट्स पेश करती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स कहा जाता है, उसको चेक कीजिए, देखिए कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, पता चल जाएगा कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कितनी बढ़ोतरी है, कितनी कमी आ रही है प्रॉफिट में, लॉस में, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड ये सारे नंबर्स यहाँ पर जो भी लिखे हैं सब करोड़ में है। एंड यहाँ पर हमको ज़्यादा कुछ चेक नहीं करना है, चार चीज़ें चेक करनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है ना उसको पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहा जाता है। फिर लास्ट EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर, ये चार चीज़ को हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चले ना मैं आपके सामने शेयर करूँगा। सबसे पहले तो स्टॉक लिस्ट हुआ था सितंबर 2020 में, एंड मैं जो शॉर्ट में बताता हूँ, सितंबर 2022 के जो क्वार्टर में कंपनी ने नंबर्स पेश किए ना वो अब तक के बेस्ट नंबर्स है जो जब से हमारे पास डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो मैंने क्रॉस चेक किया है। देखिए सितंबर 2019 में 17 करोड़ था, सितंबर 2022 में 103 करोड़ है, बीच में देखिए कभी भी 103 करोड़ का इतना बड़ा नंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पोस्ट किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं। तो सितंबर 2022 बेस्ट, तो भी आगे देखेंगे ये क्या है, ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। देखो सितंबर में कितना था 82 करोड़ का, एंड सितंबर 2019 में 16 करोड़, तो 82 करोड़ के आसपास पहले कभी नंबर गया है, नहीं, बेस्ट नंबर। फिर नेक्स्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट, सितंबर 2019 में देखो 13 करोड़, एंड यहाँ पे 73 करोड़, पहले कभी 73 करोड़ का नंबर पोस्ट किया है, नहीं, सो ट्रेंड कंटिन्यूस। एंड लास्ट EPS 11.80 की EPS जब से नंबर अवेलेबल है 2020 से, देखो कभी भी 11 की EPS पोस्ट नहीं की थी, 11.1 था, फिर 0.84। तो समझ में आ रहा है सितंबर 2019 से हमारे पास डाटा है, बट तब से अब तक का जो बेस्ट क्वार्टरली नंबर अगर कंपनी ने कभी पोस्ट किया तो वो था सितंबर 2022 का। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कोई भी कंपनी के बैलेंस शीट में आपको क्या क्या चेक करना है, वो है कंपनी के रिजर्व्स, कंपनी के बोरिंग्स एंड कंपनी के एसेट्स। तो रिजर्व्स कंपनी के पास देखो कितना है, 1600 करोड़ के आसपास, मार्च में भी उतना ही था, तो 6 महीने हो गए, सिर्फ 10 करोड़ की कमी है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। नेक्स्ट कंपनी के पास कर्ज कितना है, सिर्फ 15 करोड़ का, 16 करोड़ था वो भी कम हो गया। इनफैक्ट कर्ज देखो लगातार 2018 से जब कंपनी लिस्टेड भी नहीं थी तब से कंपनी कम करी, देखो 84, 79, 53, 20, 16, 15। सो आने वाले समय में आप कर्ज मुक्त हो जाएगी, अभी भी आप कर्ज मुक्त मान लो चलेगा। देखिए कंपनी के पास एसेट्स भी कितने हैं, देखिए 2600 करोड़ के आसपास एसेट्स है, 2653 था मार्च में, अभी 50 करोड़ की यहाँ पे थोड़ी सी हल्की कमी देखने मिल रही है। नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स 58% के आसपास, विदेशी संस्था 21%, घरेलू संस्था 7%, पब्लिक के पास 12.90 या 13% मान लो। तो समझ में आता है प्रमोटर्स के पास ज़्यादा 58% की होल्डिंग, इंस्टीट्यूशंस के पास अच्छी 28% की होल्डिंग, तो फंडामेंटली काफ़ी मजबूत स्टॉक ये समझ में आता है। एंड क्या समझ में आया हमको, 8400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, क्वार्टरली नंबर्स हमने चेक किए, सितंबर 2019 के बाद बेस्ट क्वार्टर अगर कोई था कंपनी का तो सितंबर 2022 का था, बैलेंस शीट भी अच्छी है, कर्ज ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, 15 करोड़ का सिर्फ कर्ज है, रिजर्व्स भी अच्छे हैं, रिजर्व्स हमने चेक किए हैं 1600 करोड़ के, एसेट्स भी अच्छे हैं 2600 करोड़ के, शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़िया,
58% प्रमोटर्स के पास, इंस्टीट्यूशंस के पास 28% एंड पब्लिक के पास 12-13% की होल्डिंग। तो फंडामेंटली तो आप कहेंगे स्टॉक अच्छा है, बट हाँ चार्ट पैटर्न्स पे तो स्टॉक ऑलमोस्ट ऊपर से आधा हो गया है, ये भी आपके पास आपके जहन में आता होगा। तो कहना ये चाहूँगा, अगर आपने फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में पैसे लगाए हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए आप मार्केट के मूड के साथ कैसे सारे स्टॉक्स जो है अपने आप जो है आना शुरू होते हैं, ऊपर की तरफ आना शुरू होते हैं। एंड कैसा होता है ना, सेक्टोरल चर्निंग जिसे कहा जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर से पैसा निकल के फिर दूसरे में जाता है, दूसरे से निकल के तीसरा जाता है, तो उसी तरह से बस समय का आपको इंतजार करना है। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में अगर आपके पैसे लगे हैं आपको डरने की कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। अगर फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में गिरावट होती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास और पैसा है तो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे स्टॉक्स को एवरेज कीजिए, वो करेक्शन के जो मौके होते हैं ना उसको मिस मत कीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, चार्ट पैटर्न्स पर भी देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले देख लो स्टॉक जो है लंबे समय से नहीं सेप्टेम्बर महीने से कौन सा एक लेवल है जहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, वो मैं उसको हाईलाइट करूँगा। देखो दो दिन ये रेंज में सपोर्ट लिया यहाँ पे, फिर ऊपर आ गया, फिर यहाँ पर नवंबर महीने की शुरुआत में भी दो दिन यहाँ पे सपोर्ट लिया ऊपर आ गया, एंड नवंबर के एंड में 24 और 25 दो दिन फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया ऊपर आ गया। अब ये रेंज कौन सी है वो हाईलाइट कर दो, सबसे पहले देख लो ये जो लेवल है इसको सबसे पहले समझ लो, एंड द लाइन इज दिस, लेवल इज दिस। अब ये लेवल क्या है वो मैं लिख दूँ सबसे पहले, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी कह दो, सही से लिख देता हूँ, सपोर्ट कह दो, या फिर जो ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ कुछ दिनों के लिए पोजीशन बनाते हैं ना उनके लिए स्टॉप लॉस भी बन गया, इट इज़ 1280 का लेवल है स्टॉप लॉस, मान लीजिए ट्रेडर्स जो सिर्फ कुछ दिनों के लिए पोजीशन बनाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट अब बेसिक चीज़ और एक चीज़ देखेंगे, देखिए मैंने एक बेसिक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, तो समझ में आ रहा है स्टॉक जो है इस ट्रेंड को फॉलो करते करते आ रहा था, निकलने की कोशिश यहाँ की नहीं निकल पाया, एंड फाइनली जो है इट इज़ बीन टू सेशंस सारे आईटी स्टॉक जो है फोकस में आ गए, तो सीधी सी बात है ये भी जो है धीरे धीरे करके इसमें भी मतलब मूव आना शुरू हो गया है। एंड यहाँ पर ऊपर की तरफ रुकावट कहाँ है वो हाईलाइट करूँगा, रुकावट है ये देखिए, इसको मैंने कर दिया हाईलाइट, इसका जो है कलर मैं चेंज कर देता हूँ रेड कलर, सो दैट वी डोंट हैव डाउट। तो आई होप आप रेंज को समझ रहे हो, अब रेंज क्या है स्टॉक की, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। एंड ये देखिए इन द कमिंग डेज ऐसा जो है कुछ काम यहाँ पे हो सकता है, इस तरह से जो अपनी कवर पैटर्न है उसमें स्टॉक धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। अब ऊपर रुकावट का लेवल कौन सा है, लेवल सबसे पहले हाईलाइट कर दूँ, लिख दूँ यहाँ पे, एंड द लेवल इज दिस, इसके ऊपर जो है बंद होगा तब अच्छी तेजी देखने मिलेगी। एंड द लेवल क्या है, लेवल है 1420.65 1420.65, इसके सर्किट लिमिट 20% है, याद रखिएगा बड़े मूव्स के लिए जाना जाता है। 12 अक्टूबर को दिन था जब हाईएस्ट क्लोजिंग स्टॉक ने वहाँ पे मतलब यू नो क्लॉक की, तब से लेके अब तक 12 अक्टूबर से अब तक स्टॉक जो है उस लेवल के ऊपर बंद नहीं हो पाया, लगभग ऑलमोस्ट 50 दिन का है या 2 महीने होने आए हैं इसके ऊपर बंद नहीं हुआ है। सो सपोज आने वाले दिनों में अगर बंद होगा तो अच्छी तेजी दिखने मिलेगी। अब ऑल द ट्रेडर्स जिन्होंने कुछ दिनों के लिए पोजीशन बनाई है, आप एक बात को समझिए, अगर स्टॉक में 1380-1400 देखने मिलता है आपको तो समझदारी इसमें होगी, अगर आपकी बॉटम की बाइंग है ना ट्रेडर्स 1280-1390-1310-1320 की, तो 1380-1400 है तो निकल जाइए समझदारी इसमें, क्योंकि उस लेवल के आसपास हमको समझ में आया कि दबाव है एंड ये ऑलमोस्ट 2 महीने की हाईएस्ट क्लोजिंग है। ठीक है, तो ट्रेडर्स के लिए नीचे की तरफ 1280, ऊपर की तरफ 1420 ये रेंज बन गई। एंड वो ट्रेडर्स जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है वो क्या कर सकते हैं, प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है उसका स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, इससे होगा क्या जो भी छोटा सा मुनाफा आपका होगा आपकी पोजीशन से ऑटोमेटिकली एग्जिट ले लोगे इन केस मार्केट घूम गया या फिर स्टॉक में गिरावट आ गई। तो अब आने वाले महीनों की बात करेंगे, सपोज 1420.65 इस लेवल के ऊपर लगातार कुछ दिन बंद होता है तो आने वाले कुछ महीनों में जैसे मैंने कहा स्टॉक का सर्किट लिमिट 20% है, तो ये जो लेवल है 1420 यहाँ से 10% की तेज़ी यानी कि 1560 एंड वहाँ से फिर से और 10% की तेज़ी यानी कि 1420 से और 20% की तेज़ी हम अगर गिने तो 1560 या 1700 इस रेंज में जो है स्टॉक जा सकता है, क्योंकि स्टॉक के सर्किट लिमिट 20% है। वाइल्ड मूव्स देने के लिए जाना जाता है स्टॉक, बट मूड के हिसाब से मार्केट का जो मूड होगा उसके हिसाब से स्टॉक परफॉर्म करेगा। अब आने वाले महीनों में मार्केट में करेक्शन अगर होता है, सारे स्टॉक्स उसका शिकार हो गए एंड यहाँ पर ये स्टॉक भी अगर शिकार होता है तो लंबी अवधि का नज़रिया है तो 1100 और 800 रुपये इस रेंज में मिलता है, तो आप जो है दबा कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड जिनको लेवल समझ में नहीं आते वो क्या कर सकते हैं, वो है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जैसे मैंने लिखा है फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, हर महीने अपनी
आर्थिक कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से एक शेयर, दो शेयर, तीन शेयर, जैसा भी आपको समझ में आता है, लॉन्ग टर्म का जिनका नज़रिया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 1 साल कहिए, 2 साल कहिए, 3 साल कहिए, उनकी बात कर रहा हूँ। एंड जो भी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेक श्योर कीजिए हर क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, उसको देखिए, सीखिए, समझिए, एंड बेस्ड ऑन दैट अपनी पोजिशन में अगर कोई बदलाव करने की ज़रूरत है उसको भी समझ कर ज़रूर करना है। तो दोस्तों ये है लेटेस्ट स्टडी रूट मोबाइल के बारे में। स्टडी आपको पसंद आई होगी, स्टडी आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ स्टडी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग सिंपल सरल मैनर में जिस तरह से मैं स्टडी करता हूँ आपको और देखनी है, तो प्लीज़ चैनल पे जो दूसरी स्टडीज अपलोड की गई है उसको भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी आपके सवाल है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन के द्वारा ज़रूर जुड़िएगा। एंड स्टडी आपके सामने पेश करने का मोटिव सब सिंपल है, सो दैट आप खुद से सीखना शुरू कर दें। मैं खुद ये चीज़ को फॉलो करता हूँ एकदम सिंपल सरल मैनर में, आप भी उसको फॉलो करना शुरू कर दें। एंड सो दैट आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने डिसीजंस खुद से लेना शुरू कर दें। आपको किसी के SMS की राह नहीं देखनी है, फेक लोगों से दूर रहना है, एंड आपके जो खास मित्र है, दोस्त, वो अपने पोर्टफोलियो में किस तरह से मतलब इन्होंने बदलाव कर रहे हैं उनको फॉलो नहीं करना है। द लॉजिक हियर इज, पैसे आपके हैं, मेहनत की कमाई के पैसे आपके हैं, आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका जो डिसीजन मेकिंग है, निर्णय जो है, वो भी आप ही के हाथ में होना चाहिए। बस यही लॉजिक है स्टडी आपके साथ शेयर करने का। एंड आप इस स्टॉक के बारे में क्या राय रखते हैं, पिछले 3 साल के जो क्वार्टरली नंबर्स उसके बेस्ट नंबर्स पोस्ट किए हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कर्ज मुक्त कंपनी है, आपकी जो राय है, आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। तो शुक्रिया स्टडी देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।